स्टूडेंट्स वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कहते हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई आल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए तो आज का ये सेशन हमारी CUET aspirants के लिए है और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम सी क्यू रिलेटेड को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मान लो अगर आपको किसी एमसीक्यू का आंसर नहीं भी पता तो भी तुक्के मारकर आंसर कैसे निकालना है ये सारी चीजें हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सीयू जो बच्चे सीयू देने वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये सेशन सुपर इम्पोर्टेंट है ही पर इसके अलावा एम तो हमारे क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी आते हैं तो अगर आप टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो और एमसीक्यू को और बेटर तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है आगे बढ़ने से पहले यहां जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो से है जल्दी सब लोग इस वीडियो को लाइक करो सेशन शेयर करो सबको बताओ कि दीदी लाइव है फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को तो आज हमें देखना है एमसीक्यू सॉल्व करने के अलग अलग हैं। पहला क्या है इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड तो एमसीक्यू में होते हैं हमारे पास चार ऑप्शन एंड कभी-कभी क्या होता है हमें समझ ही नहीं आता कि राइट आंसर क्या है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए राइट आंसर तो हमें पता नहीं क्या है हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम गलत आंसर ढूंढें क्या मतलब है इसका मान लो चार ऑप्शंस दे रखे आपको राइट right आंसर पता नहीं क्या है पर आपको ये समझ में आ गया कि बी जो है ये तो डेफिनेटली गलत है ठीक है ये तो बिल्कुल राइट right आंसर हो ही नहीं सकता साथ ही साथ डी में भी जो लिखा है ये भी बिल्कुल गलत है ये राइट right आंसर हो ही नहीं सकता तो अब अगर आपको तुक्का मारना ही है तो ए और सी में से किसी एक में तुक्का मारना चार में से चार ऑप्शंस में से एक राइट right आंसर सेलेक्ट करने से अच्छा है दो ऑप्शंस में से एक राइट right आंसर को ढूंढना तो इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑप्शंस को ध्यान से देखो एंड जिन ऑप्शंस को देखकर लग रहा है कि ये तो राइट right हो ही नहीं सकता उसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो ओके okay, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड और क्या हैक है मेरे पास आप लोगों के लिए ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में और इसके ऊपर प्रॉपर डेटा भी है लोगों ने ऐसे रिसर्च करा है और लोगों ने देखा है कि ज्यादातर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ दी अबव होता है ऑप्शन में तो चांसेस आर कि ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा ठीक है ऑल ऑफ दी अबव के राइट right आंसर होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं अब मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि ये ट्रिक 100% हर जगह काम कर जाएगा नहीं पर ज्यादातर केसेस में तुम देखोगे अगर तुम्हें तुक्का मारना पड़ रहा है तो तुम ऑल ऑफ दी अबव टिक कर सकते हो क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि अगर एमसीक्यू में एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दी अबव तो उस ऑप्शन के राइट right होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और क्या है हैक रीड केयरफुली कभी कभी-कभी क्या होता है देखो बोर्ड एग्जाम या सीयू इन टाइप के एग्जाम में हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है कई बार हम लोग जल्दबाजी मचा देते हैं कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हो सकता है अभी आपको ये पॉइंट सुनने में लग रहा हो कि ये क्या हैक है क्वेश्चन तो ध्यान से ही पढ़ते हैं पर ऐसा नहीं है सीयू के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन या फाइंड दिन इनकरेक्ट ऑप्शन डू नॉट ओनली इस टाइप के वर्ड्स को ध्यान से समझना है कई बार क्या होता है आपके क्वेश्चन में होता है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है और आपको चार स्टेटमेंट्स दे देते हैं आपसे बोला होता है कि करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढो तो आप ऑप्शन ए पढ़ते हो और आपको लगता है कि हाँ ऑप्शन ए में तो सही लिखा है ऑप्शन ए ही है करेक्ट स्टेटमेंट आप ए के ऊपर टिक मार देते हो और आप आगे बढ़ जाते हो जल्दबाजी में पर अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बी भी राइट right हो सी भी राइट right हो एंड डी एक ऑप्शन हो ऑल ऑफ दी वो राइट right आंसर होना था तो इसमें आपको आंसर पता होगा बट जस्ट बिकॉज आप नर्वस हो या आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया या जल्दबाजी दिखाई फालतू में आपके नंबर कट जाएंगे तो ये गलती नहीं करना हमें बहुत कामली और पीसली एग्जाम पीसफुली एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ठीक है और क्या कर सकते हो आप लोग फाइंड सिमिलर ऑप्शन मान लो कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें नहीं पता ठीक है तो ऐसे में हम क्या करेंगे चार ऑप्शंस हैं हमारे पास ठीक है चांसेस आर कि इन चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सिमिलर होंगे ना उनमें से कोई एक हमारा राइट आंसर होगा तो मान लो ए में कह रखा है जीरो मान लो डी में कह रखा है 500 मान लो बी में कह रहे हैं 15.5 और सी में कह रहे हैं 15 तो चांसेस आर कि हमारा राइट आंसर बी या सी में से कुछ एक होगा ठीक है तो हमेशा ऐसे ऑप्शंस जो कि थोड़े मिलते जुलते होते हैं उन्हीं में से कोई एक राइट right आंसर होता है तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का मारना ही है तो इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक पे तुक्का मारना ठीक है चलो और क्या हैक है मेरे पास ट्रस्ट योर इंस्टिंग तो यार आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा 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 अपने ऊपर विश्वास रखना भी सीखना होगा अक्सर बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू रीड करते हैं उन्हें लगता है कि बी राइट आंसर है बी के ऊपर टिक मार देते हैं फिर उसके बाद वो रुकते हैं और पांच मिनट सोचते हैं एंड जब वो सोचना स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कि ए भी सही हो सकता है डी भी सही हो सकता है सी भी सही हो सकता है ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो आप लोग एंड उसके बाद पांच दस मिनट का टाइम वेस्ट तो होता ही है ओवर थिंकिंग करने के बाद आप लोग अपने आंसर को चेंज करके सोचते हो कि यार बी सही नहीं लग रहा शायद डी सही होगा एंड फिर बाद में आपको पता चलता है कि जो ऑप्शन आपने पहले चुना था वही राइट right आंसर है ये किसी ना किसी किसी ना किसी ने हर बच्चे के साथ कभी ना कभी ये जरूर हो रखा होगा एंड ये बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊपर अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पाते या फिर हम ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हैं तो ये सारी चीजें सीयूईटी में या फिर बोर्ड एग्जाम में हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है और क्या है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ठीक है तो आराम से अभी एग्जाम बहुत पास में है तो जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कौन से ऑप्शन के राइट होने के चांसेस हैं, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है जितना प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही सब कुछ समझ आने लग जाएगा कि अच्छा सीयू CU, सीयू में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पर अगर बिना प्रैक्टिस के डायरेक्टली एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे तो मुश्किल है तो ये थे कुछ हैक्स जिससे आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन और बेटर हो सकती है आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड एंड शो योर लव सपोर्ट इन सेक्शन। और अगर आप लोग हमारे साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लो तो हमारी ह्यूमैनिटीज बैचेस में लाइव क्लासेस होती हैं। आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है इस बैच में आपको इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स आपको हम देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीआर टी ये सारी चीजें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा बैच को ज्वाइन कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 11th के लिए एक लिंक है क्लास 12th लिखकर भी एक लिंक डाल रखा है तो आपको जिस भी क्लास का लिंक चाहिए बैच चाहिए उस लिंक के ऊपर क्लिक करो जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा फोन नंबर डाल दो फोन पे एक ओटीपी आएगा ओटीपी भी डाल दो उसके बाद यह पेज ओपन होगा इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको कितने मंथ्स तक हमारा बैच चाहिए अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे फिर यहां पर आपसे पूछा जाएगा हैव रेफरल कोड आपके पास कोई रेफरल कोड है तो यहाँ पर आपको लिख देना है अनुष्या ए एन यू एस एच वाई ए अन एकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है जैसे ही तुम लोग यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी चलो बच्चों तो मेनली मुझे आज आप लोगों को यही सब बताना था आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा अगर ऐसा है तो इस सेशन को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन तो अभी के लिए इतना ही बच्चों मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू